प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उधर उधर उधर, बस बस बस, इधर रुक जा, इधर रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे अरे चाचा जी, हलो हलो, अरे अरे चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ, इधर टेंशन में क्यों आप? अरे भैया, क्या हुआ जेठिया को? क्या हुआ, मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो तूने इन लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कब का? अरे बाहर रोड पर। रोड पर कब? अरे मैं इनसे मिला ही कब? अरे भीड़े भाई, सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए रास्ते पर आपने क्या बताया है? अब तो आप कहोगे कि हमें जानते भी नहीं हो। नहीं जानता? ये भिंडी मास्टर शिक्षकों का मजाक करता है। अब लाल शर्ट मरू ने मरू देते। मैंने तुमसे कब कहा? अरे कहा वो छोड़ो, मैं तुमसे मिला ही कब? क्या रखना है? नहीं मिले ऐसा रखते हैं, नहीं मिले। अच्छा, 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 रखो अच्छा। अरे कमल है, क्या लफड़ा है? मैं इनसे कब मिला? और चाचा क्यों बोल रहे हैं कि शिक्षकों के मजाक करते हो? माझ्यावरती आरोप बघायलाच पाहिजे। जेठिया, दया, अरे दया, जल्दी प्लेट लगा, जलेबी फाफड़ा आ गए। ये फाफड़ा वाली, एक तो गिर के लग गया और तुझे जलेबी फाफड़ा की पड़ी। बच्ची, बाबूजी, आप कहाँ कैसे गिर गए? बैठे बाबूजी, बैठे बैठे, कहाँ लगा आपको? अरे भाई मैं नहीं, तू गिरा है। खड़ा मंत्र, बैठ जा, बैठ जा। अरे टप्पू के पापा, मैं घर में हूँ और आप गिर गए और मुझे बताया भी नहीं। अरे दया, अरे बैठ जा तू। अरे बापूजी, दया मुझे खुद को पता नहीं कि मैं गिरा हुआ हूँ। मतलब मैं गिर गया हूँ। बापूजी, अगर मैं गिरा होता तो मुझे कहीं ना कहीं चोट तो लगी होती ना। मैं ऐसे आराम से खड़ा थोड़ी रह सकता था, तक मैं तो डांस भी कर सकता हूँ। हाँ, वो भी है, लेकिन बापूजी आपको किसने बताया कि टप्पू के पापा गिर गए हैं? हमने बताया। कौन है तुम लोग? अब मैं, आप जेठालाल जी? हाँ। मैं प्रेम जी और ये मेरी वाइफ प्रमीला। नमस्ते। नमस्ते। भीड़े इनको रास्ते में मिला था, भीड़े ने इनको बताया कि तू गिर गया। अरे चाचा जी, मैंने नहीं बताया, मैं इनसे आज तक मिला भी नहीं हूँ। अरे तूने नहीं बताया तो क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं? भीड़े भाई, आप वैसे तो कभी मजाक नहीं करते हैं, फिर आज अचानक ऐसा मजाक करने का क्यों सोचा? दया भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई मजाक नहीं किया। अरे मैं तो नहा के पूजा पाठ करके नीचे कंपाउंड में सुविचार लिखने आया था, तब मुझे चाचा जी मिले और इनके साथ जिंदगी में पहली बार मैं इनसे मिला हूँ। मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ। ये हाँ वाली, ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे और झूठ बोल के इनको क्या मिलेगा? अरे ये लोग तो बेचारे अच्छे खासे अपने काम पे जा रहे थे, अपना काम काज छोड़ के मुझे रिक्शा में बिठा के यहाँ तक छोड़ने आए। अरे आज के जमाने में कौन करता है ये सब, और तू बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये लोग क्या पागल है? चाचा जी को शांत कीजिए जरा। बापूजी अब शांत हो जाइए। बैठे बापूजी, आप बैठे 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 बैठे। जेठालाल जी, वो कमरा आपका है? हाँ। तो हम लोग अकेले में दो मिनट बात कर सकते हैं?
आओ। जेठा भाई बोलिए। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बहुत लापरवाह है। लापरवाह जी, आपको आपके पिताजी का ख्याल रखना चाहिए। उनको यूं घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। क्या क्यों? क्या क्या क्यों? अरे रोज रोज कितने पैसे वेस्ट करोगे? सॉरी लेकिन आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। मेरी पूरी स्कूल की लाइफ में मुझे जितनी उलझन नहीं हुई ना, उससे ज्यादा उलझन अभी आपकी बातें सुन के हो रही है। आप जरा साफ साफ बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं साफ साफ बता देता हूँ। मैं भीड़े भाई से ना कभी रास्ते में मिला था ना कभी उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन भीड़े भाई का झूठा नाम लेकर आपके गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम आपके पिताजी सही सलामत आपके घर वापस ले आए। सॉरी अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपनी बात को थोड़ा और साफ करेंगे? भले। एक मिनट, आप एंड में क्या बोले हो? आपके बापूजी को सही सलामत घर पे लेके आए, मतलब? जेठालाल जी, हम बहुत डरे हुए थे जब उनको घर पे लेके आ रहे थे, कहीं वो हमको तकलीफ ना पहुंचा दे। लेकिन नहीं, आपके पिताजी बिल्कुल आराम से रिक्शा में बैठ के हवा खा रहे थे, कहीं से लगा ही नहीं, है ना प्रमिला, कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या बोल रहे? अपने पापा क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करते हुए? दया, दया वो गुंदर लाल जी से सब कुछ हमेशा के लिए चिपक जाता है। क्या चिपकना है? इसके होठ, ताकि ये दोबारा ऐसी घिनौनी बात अपने मुंह से ना कर पाए। अरे जेठिया, जेठिया शांत हो जा। अरे कोई कुछ भी कहे, हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। बापूजी आपको पता नहीं अभी ये क्या हलचल बात कर रहा था? इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? अरे ये भी कह रहा था ये। अरे बोल क्या कहा? बापूजी ये अभी बोल रहा था कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? मानसिक संतुलन। तुझे मैं पागल लगता हूँ? आपने बापूजी को पागल कहा? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सब समझ गया हूँ प्रमिला। बाप तो पागल था ही, बेटा पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि हमें हमारे 10,000 रुपये ना देने पड़े। हाँ देखिए, 10,000। अरे हाँ 10,000। अरे 10,000 नहीं देने थे तो पोस्टर चिपकाया है क्यों? जेठिया पोस्टर? कौन सा पोस्टर? कैसा पोस्टर? अरे ये जेठालाल ने अपने पिताजी की फोटो वाली पोस्टर रास्ते में जगह जगह चिपका के रखी है। उस पर लिखा है कि मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो उनको सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसे इनाम में 10,000 रुपया देगा। जेठालाल तुमने ऐसे पोस्टर चिपकाए? अरे चुप, मैं क्यों पोस्टर लगाऊंगा? मैं क्या पागल हो गया हूँ? अरे झूठे, ये लोग एक नंबर के झूठे। आप लोग अंदर आए ना, उसके पहले ये मुझे कह रहा था कि भीड़े का झूठा नाम लेकर और आपका गिरने का झूठा बहाना बनाकर हम लोग आपके बापूजी को घर पे लेके आए। एक मिनट, मतलब ये क्लियर हो गया ना कि मैं आज से पहले इन दोनों को कभी नहीं मिला हूँ? क्लियर हो गया कि नहीं? अरे हाँ भाई, हाँ, सत्यमेव जयते। देखा चाचा जी, आखिर सत्य की जीत हुई। अरे तू एक मिनट रुक जाना भाई, रुक जा। सत्य तो विजय सो। अरे एक मिनट रुक जाना भिंडी मास्टर। ए भाई मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला? हम जैसे सीधे साधे लोगों से पैसा लूटने के लिए ये पोस्टर इसी ने छपवाया है और अभी आ गया 10,000 लेने के लिए।
शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसों के लिए ऐसा काम करते हो? लबाड़ पाइजे घबाड़। अरे चाचा जी, शर्म तो आपके बेटे को आनी चाहिए। आपको सही सलामत घर पे पहुंचा दिया, फिर भी 10,000 रुपया देने से इनकार कर रहा है। अरे समझाना है तो इनको समझाइए कि हमारे हक के 10,000 रुपये दे दे। ये क्या समझाएंगे? इनको खुद को नहीं पता कि इनके ऊपर 10,000 लगे हैं। अरे हाँ, वो तो है। और समझा भी कैसे सकते हैं, बेचारे खुद ही पागल है। फिर से पागल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मेरे बापूजी को पागल बोलता है तू। पागल बोलता है बापूजी को। अरे क्या कर रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दे। क्या छोड़ दे? हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। इधर कुछ पागल लोग मिलकर मेरे पति को मार रहे हैं, जल्दी आओ। अरे ना बोलो, मैं भी तो बोल रहा हूँ। जेठालाल देखो, तुम कॉलर को अपने हाथ में मत लो, कानून को अपने हाथ में मत लो जेठालाल, ये खुद एक पागल है। अरे बाप बेटे तो पागल थे, तू भी पागल है। मुझे पागल? माला पागल? अरे छोड़ो जेठालाल। अरे ये मुझे पागल बोलते हो? क्या नाम क्या है इसका? प्रेमी। अरे प्रेम जी। अरे जी गला खड्डा, अगर मैं शिक्षक नहीं होता ना तो तुम्हें यहाँ पे बहुत मारता। जेठालाल मारो इसे, मारो। क्या कर रहे हो? मार रहे हो मेरे पति को? हाँ मारो मारो। अभी मैंने फोन किया है पुलिस को, पुलिस आती होगी, एक एक को देख लेगी। मारो मारो। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। क्यों? मारो मारो। अभी पुलिस आ रही है ना, तो पुलिस ही मारेगी इसको। दया सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। हाँ, लेकिन फिर पुलिस अंदर कैसे आएगी? बाप रे, ये भी पागल है। अरे पागल, भागो इधर से। अरे मजीद क्यों भाग? रोक दे। अरे जगह रुक, भाग जल्दी भाग। अरे बाप रे, चलो चलो भागो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बापूजी छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई मुझे पागल का मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई आपको, कोई आपका अपमान कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे छोड़िए बापूजी। रुक जा, देखिए रुक जा। अरे रुक जा, रुक जा। मैं कहता, अरे जेंटे, अरे मेरे पकड़ लीजिए। हां रुकता रुकता रुकता, जल्दी चल। अरे मैं जल्दी कैसे चलूं, मेरी साड़ी है ना। अरे रुक, अब्दुल अब्दुल, पकड़ पकड़ पकड़। अरे कमल भाभी, पकड़ो पकड़ो। जेठालाल कीड़े छोड़ मुझे, वरना अपना झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा कर रहा है। अरे मेरी बात सुनो, देखो मेरी पूरी बात ही लगा। चलो ना, मेरी स्कूटर को हाथ लगा ना, मेरी स्कूटर को। क्या हो रही है? क्या मालूम क्या हुआ जेठालाल, क्या भाग दौड़ चल रही है, और कौन है ये लोग? अरे मेहता साहब, एक नंबर के फ्रॉड, झूठे ये लोग। पूछो भीड़े से, भीड़े इनको जानता भी नहीं है। और ये बात साबित हो चुकी है। क्या कह रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब, ये लोग बापू जी को रास्ते में मिले और बापू जी को यहाँ तक ये बोल के लेकर आए कि वो लोग भीड़े को जानते हैं। यहाँ के भीड़े मिला तो पता चला भीड़े तो जानते ही नहीं है। माफ करना, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं आपको बाद में समझाता हूँ, एक मिनट। अरे जेठिया, मैं कह रहा हूँ जाने दे, जाने दे उसे, जाने दे। किन को जाने दू? अरे
पराई औरत को हाथ लगाएगा? अरे जगह वाले पराई औरत भाग गई। अरे जल्दी चल चलो वो कुड़ाई भाग गई। अरे अरे बापू जा जाने दे इनको। नहीं बापू जी ये आपके मान सम्मान की बात है, आज मैं आपके एक नहीं सुनूंगा। इस सोसाइटी में कोई ऐसा है जो हमें इंसाफ दिलाए? इंसाफ? इंसाफ बोल रहे हैं इंसाफ? अरे आप इनसे क्या इंसाफ मांग रहे हो, पुलिस आ रही है ना इंसाफ करने। पुलिस? पुलिस? पुलिस किसने बुलाई? हमने, हमने। किसको पकड़ने के लिए? इनको। पर ये तो अरे कन्फ्यूज है ना, बहुत कन्फ्यूज है ना। तेज कर। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पुत्र तेनू कुछ समझ आ रहा? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैडम साहब आप तो राइडर है, आपको इस स्टोरी का कुछ कनेक्शन मिल रहा है? अरे भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, ना कोई सर समझ में आ रहा है ना पूछ समझ में आ रही है। भाई कोई समझाएगा क्या हो क्या रहा है? क्या लिखा था? इतने रिक्शा यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ पे, मैंने देखा कि चाचा जी से स्टेशन में। ये जो कुछ हुआ है मेरे बापूजी के साथ हुआ है तो मैं बताऊं प्लीज। आहू तो मित्र साहब हुआ यूं के दस हजार बोलो। ओहो चाचा जी को मेंटली अनस्टेबल कहो, शर्म भी नहीं आती। उनका निर्लज्ज है निर्लज्ज। अरे भाई जेठालाल तुमने ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाए? गोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो? बुड़बक मेरा मतलब है कि जेठालाल ऐसे पोस्टर्स क्यों छपवाएगा? अरे भाई अगर तुमने नहीं छपवाया तो किसने छपवाया? बताओ जल्दी बताओ जेठापरा। इसने। अरे हम क्यों छपवाएंगे ऐसे पोस्टर्स? हमसे 10,000 लूटने के लिए। समझे? लूटने के लिए क्या क्या तरकीब निकालते हैं देखो लोग। दिखने में तो एकदम शरीफ घर के लग रहे हैं। एकदम ऑफिस गोइंग टाइप्स, टिफिन लैपटॉप बिल्कुल तारक की तरह। मने तो एम लागे छे कि लैपटॉप बैग में लैपटॉप नहीं है और टिफिन में टिफिन नहीं है। आई बटू दिखावा ना वरे छे, नाटक छे नाटक। अरे बाप रे कहां फंस गए हम, मुझे लगता है पूरी की पूरी सोसाइटी पागल है। ओए तू हम गोकुलधाम वालों को पागल बोलता है? हां तन्नु ते मैं उन छटवानी। बोलो अब बोलो कहाँ भागोगे बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
हाथी भाई थक गए। अरे तो हाथी छोड़ दो। मतलब हाथी भाई का हाथ ही छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ चलो चलो। ये भागे तो वापस क्यों आए? मित्रों, इन दिनों जैसे मुद्रा बाजार में डॉलर और रुपए की खींचातानी चल रही है, कुछ वैसी ही खींचातानी इस वक्त गोकुल धाम के प्रांगण में। अब प्रेम जी और प्रमिला बिल्कुल हारे हुए सिपाहियों की तरह मैदान छोड़ के भाग रहे थे कि अचानक उनके चेहरे पे ये 100 वोल्ट के बल्ब की तरह रोशनी कहां से आ गई? लगता है पुलिस आ गई है। अब अगर पुलिस आ गई तो क्या करेगी, क्योंकि पोस्टर तो छपे, पोस्टर की बात तो बिल्कुल ठीक है। अब गोकुल धाम के निवासी जब ये पोस्टर देखेंगे तो क्या होगा? जेठालाल पे कहीं कोई इल्जाम तो नहीं आएगा? या फिर चाचा जी के पोते टपू को जब ये खबर मिलेगी तो क्या होने वाला है? यानी कि हंगामे तो तय शुदा है साहब। अब क्या क्या होता है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सिर्फ 23.5 घंटे बाद। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।